सस्रियाकाल, आप सभी का स्वागत है विदर्भ टैलेंट के एक और नए और अमेजिंग एपिसोड में। जेठालाल की तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल तो आपने देखी होगी, अगर हाँ तो आपने जेठालाल के मुंह से कई बार जलेबी फाफड़ा का नाम तो सुना ही होगा। जेठालाल को जलेबी फाफड़ा खाना बहुत पसंद है और इसका नाम सुनते ही जेठालाल के मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो जलेबी फाफड़ा का नाम लेते ही ना सिर्फ जेठालाल बल्कि हर वो शख्स जिसे जलेबी फाफड़ा पसंद है उसके मुंह में पानी आ जाता है। और भाई साहब, आए भी क्यों ना, वो टेढ़ी मेढ़ी चाशनी में डूबी हुई जलेबी, उसके साथ गर्मा गर्म फाफड़ा और हाँ वो पपीते की चटनी वाले संभारे का स्वाद कैसे किसी को ना लुभाए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज विदर्भ टैलेंट में मैं जलेबी फाफड़ा के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो उसकी वजह ये है कि आज हमारे विदर्भ टैलेंट इस शो में मैं आपको मिलाने जा रही हूँ हमारी नागपुर की एक ऐसी दादी और उनके बेटे से जिन्होंने अपने फाफड़ा बनाने के टैलेंट के हर किसी का दिल जीत लिया। बड़ी खासियत यह है कि हर राज्य में खाने का अंदाज बदल जाता है। इतना ही नहीं, एक ही डिश को अलग अलग राज्यों में बेहद अलग तरीके से बनाया जाता है। मसलन कढ़ी को पंजाब, गुजरात और राजस्थान में बनाने का तरीका बेहद अलग है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक गुजराती स्नैक फाफड़ा जलेबी की। शायद ही कोई गुजराती होगा जिसे फाफड़ा खाना पसंद न हो। जलेबी फाफड़ा या गुजराती स्नैक से जो पूरे गुजरात में शौक से खाया जाता है। फाफड़ा को बेसन से बनाया जाता है और फाफड़ा तैयार होने के बाद इसे जलेबी या चटनी इत्यादि अपनी मनचाही चीजों के साथ परोसा जाता है। वैसे तो फाफड़ा को ज्यादा तारक मेहता के जेठालाल से जाना जाता है, लेकिन अगर नागपुर की बात करें तो उसे रामानुज फाफड़ा वाले की वजह से जाना जाता है। ये दुकान बीते कई सालों से नागपुर के धारस्कर गली में स्थित है। यहाँ के लजीज स्वाद की वजह से यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई देती है। तो आज के हमारे विदर्भ टैलेंट के इस एपिसोड में आइए देखते हैं रामानुज फाफड़ा वाले की कहानी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑलमोस्ट हर घर पे देखा जाता है और उसमें जब बात आती है जेठालाल जी की तो भाई साहब हर कोई किसी को पता है कि जेठालाल को कितना फाफड़ा पसंद है। शायद उन्हीं की वजह से जलेबी फाफड़ा का ट्रेंड इतना चल रहा है और कहा जाता है कि गुजरातियों को सबसे ज्यादा जलेबी फाफड़ा पसंद है। पर अपने नागपुर में एक ऐसी दादी है जो 1985 से नागपुर वासियों को फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा खिला रही है और वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। दादी के यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि कई कई बार जल्दी से स्टॉक पूरा खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं दादी से कि कैसे इस फाफड़ा की शुरुआत हुई थी और कब से ये दुकान शुरू हुई है। दादी, आपसे जानना था कि ये जो जले फाफड़ा की दुकान है, रूपम फाफड़ा है, ये कब से शुरुआत हुई है इसकी? रामानुज फाफड़ा, इसकी कब से शुरुआत हुई? 40 साल हो गया। आपने कब से कैसे सोचा कि यार फाफड़ा, ये फाफड़ा ही शुरू करना है हमको और लोगों को सर्व करना है, इसके बारे में कैसे सोचा आपने कि फाफड़ा? हमारे दादाजी ने सोचा था कि इधर में क्या ईट दमा में है नहीं तो अपने फाफड़ा का जो करेंगे। इधर में पपड़ी बोलते हैं, बेसन की पपड़ी बोलते हैं, तभी यहाँ कोई भी नहीं था पपड़ी। हाँ, इसलिए हमने फिर देखा जाता है कि गुजरातियों में सबसे ज्यादा क्रेज होता है फाफड़ा का, पर यहाँ पे सिर्फ गुजराती आते हैं कि बाकी लोग भी आते हैं? सब लोग आते हैं। हाँ, ये लोग जैन है, ये जैन है, ये मारवाड़ी है, सब आते। सर, आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी टी शर्ट पे भी जेठालाल की फोटो दिख रही है, आपकी कॉलर ट्यून भी हमने सुनी है जो जेठालाल से पूरी मिलती जुलती है, तो क्या ये ऐसा है कि फाफड़ा का दुकान घर पे था इसलिए जेठालाल का क्रेज हुआ या फिर पहले से ही जेठालाल का क्रेज था? देखते जेठालाल को तो कभी हमेशा देखते रहते, फेवरेट भी अपना, तो सोचा कि क्यों ना उसी से रिलेटेड कुछ नया किया जाए ताकि लोगों को और अच्छा लगे और जो क्वालिटी रहेगी पपड़ी की सबसे यूनिक रहेगी। फल्ली तेल में नागपुर में आपको कोई बना के नहीं देगा,
हमने सिर्फ क्वालिटी पे ही ध्यान दिया, हमको भीड़ से मतलब नहीं है, जो भी आया उसको क्वालिटी मिल जाए बस, और कुछ नहीं। जब आपके यहाँ पे ये पहले से ही शुरू था तो क्या आपने पहले से ही सोच के रखा था कि ये बस इसी फाफड़ा को ही आगे बढ़ाना है ऐसा कुछ? क्योंकि एक्चुअली कैसा, फाफड़े का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना, यहाँ बनाते सबको ही है, पर जो ओरिजिनल टेस्ट जो रहता है, जो ओरिजिनल गुजरात से रिलेटेड है, वो कोई भी नहीं देता। जैसे जितनी ऐड करोगे, हर कोई फाफड़ा बनाने की कोशिश करता है, पर जो उसकी जो रियल क्वालिटी और टेस्ट है वो कोई नहीं देता, क्योंकि इसमें टेस्ट सबसे मेन रहता है। इसमें तेल का भी जो रहता है, फल्ली तेल में जो बनाएंगे वो एक यूनिक आइटम बनेगा। यहाँ कोई फल्ली तेल में कैसा यूज़ नहीं करते हैं, यानी ग्राहक आ रहे हैं, भीड़ दिख रही है तो कुछ भी दे दे रहे हैं। अपना ये पहले से यही मोटो है कि भले जितना भी महंगा होगा पर अच्छी चीज़ देंगे ग्राहक को, ऐसा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या 1985 से ये यहीं पर है या फिर या इसकी लोकेशन वगैरह चेंज हुई? ये जगह पे पापा के टाइम से ये जगह पे और आगे भी यही रहेगी। ख्याल नहीं आया कि इसको, इस जगह को चेंज करना चाहिए, इस लोकेशन को चेंज करना चाहिए, बड़ा और करना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी तो कमाई हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं जी, इससे जुड़ा हुआ ये जगह से हमारा, हमारी इच्छा ही नहीं होती, कभी मन में ऐसा आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब यही, हमने सब चीज़ यही देखे हुए हैं, इसलिए फिर अभी भी इच्छा नहीं होती। इतने हम ये हमेशा हमारे आजू बाजू वाले जितने भी लोग हैं सब सपोर्टिव है, कभी जैसे अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो जितने भैया लोग हैं, अगर मैं नहीं रहूं तो मम्मी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे सामने वाले भैया, ये भैया, पीछे वाले भैया, सब अपना यानी सामान अपनी दुकान में डाल देते हैं कि हमारा मतलब नुकसान ना हो, इतने सपोर्टिव है, इसलिए इच्छा नहीं होती कभी इनको छोड़ के। हमारे साथ यहाँ पे एक ग्राहक भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कितने सालों से वो यहाँ से फाफड़ा वगैरह खरीदी कर रहे हैं। 1985 से हम लोग यहीं पे इनसे जुड़े हुए हैं, इनके फादर्स के ज़माने से ही, तो उनके फाफड़ा नागपुर में पूरा फेमस ही है, कि गुजरात स्टाइल में ये लोग बनाते हैं, और जो बनाने वाले यहाँ पे तो बहुत लोग हैं फाफड़ा, पर इनके शरीर का टेस्ट किसी का नहीं है। यस, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इसका टेस्ट ही एक रीज़न है कि यहाँ पे वो लोगों को जोड़े रखता है। यस, जुड़े रखता है, अट्रैक्शन इनका, दूर दूर से फाफड़ा यदि जिसको खाना संडे के दिन विशेष करके, तो यहाँ पर लोग आते हैं और वो और बहुत अच्छे टेस्ट के हिसाब से खा के जाने के बाद भी इनकी तारीफ करते कि वाकई में बोले, रेट होने के बाद भी बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं ये लोग। यस, तो आज आप हमारे BCN के थ्रू आपके रामानुज फाफड़ा वाले, इनको क्या मैसेज दोगे? मैं BMC के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी सर्वे कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट और बहुत अच्छी जगह से सर्वे को मोटिफाइड कर रहे हो आप, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमने देखा कि किस तरीके से ग्राहक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, और साथ में स्पेशली जो गुजराती फाफड़ा जाना जाता है वो नागपुर में यहाँ पे सबसे टेस्टी मिलता है, ऐसा ग्राहकों का खुद कहना भी है, और वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का फाफड़ा यहाँ पे मिलता है। नागपुर के सबसे अच्छे फाफड़ा वाले के यहाँ ऐसे ग्राहकों का कहना है कि जहाँ पे सबसे अच्छा फाफड़ा मिलता है उसके पास हम लोग आए हैं, और एक ग्राहकों से हम बात कर रहे हैं, जानेंगे उनसे कि कब से वो यहाँ से फाफड़ा ले रहे हैं, उनको कैसी यहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाती है। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो फाफड़ा है यहाँ पे आपको टेस्ट, यहाँ की टेस्ट बहुत अच्छा है, और हमारा हर संडे फिक्स है उनके पास से फाफड़ा लेना, हर संडे। कितने सालों से ले रहे हैं? लगभग फिर भी कितना अप्रोक्सीमेशन अगर सालों का कहे तो कितने सालों से आप यहीं से शॉपिंग ले रहे हैं? मेरे हो ही गए मेरे साथ, हाँ 40 साल से, तो मैं आई हूँ तब से यहीं से ले रहे हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे, मतलब नागपुर में वैसे भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे फाफड़ा बनता है, पर सबसे अच्छी चीज़ जो आपको यहाँ की लगती है? हमको यहाँ का टेस्ट ही बहुत अच्छा, और बनाने की स्टाइल अच्छी है, प्योर चीज़ वापरते, तेल भी अच्छा वापरते, बेसन भी अच्छा रखते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी और टेस्ट भी, दोनों चीज़ें अच्छी। हाँ, तो आपने देखा कि क्वालिटी और टेस्ट इनका कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे फाफड़ा बनाया जाता है, और बहुत ही प्यार से उस फाफड़ा को सर्व किया जाता है। बताया ना, सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और यहाँ पे ये जो
पपीते की चटनी जिसको सांबारा कहते हैं, ये पूरे नागपुर में कहीं नहीं मिलती है, ऐसा कहा जाता है। लेट मी टेस्ट और मैं बताती हूँ आपको किस तरीके की है ये। परफेक्ट टेस्ट, मतलब जो चाहिए एक गुजराती स्टाइल का खाना उसका पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये जो सांभर की टेस्टी मैंने चटनी कहा कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, जो पूरे नागपुर में सिर्फ यही मिलती है ऐसा भी खाया जाता है। तो अगर आप फाफड़ा वगैरह गुजराती आइटम खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, यू शुड मस्ट विजिट द प्लेस। कि नागपुर में फाफड़ा की वजह से भी ये दुकान जो है फेमस होती देखी जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।